हाय गाइस, आई एम मंगोत्रा और सभी के क्या हाल चाल है भाई साहब। भाई आज की वीडियो होने वाली है जबरदस्त, इसलिए पूरी वीडियो देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर भाई करो भाई, प्लीज यार रिक्वेस्ट। तो भाई इसी के साथ हम वीडियो पे चलते हैं भाई, जो है टॉप 6 टिप्स एंड ट्रिक्स जो नवी आई है, जो भी नई अपडेट में भाई आपको लेना है। आई स्पोर इज द बेस्ट मोर भाई। नंबर 1 टिप की ओर चलते हुए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फेवरेट जगह, जी हाँ मिलिट्री बेस, जहाँ पे उतरते ही पेटी बनने के आसार ज़्यादा होते हैं भाई। इधर एक बिल्डिंग है भाई, देखो इस बिल्डिंग के ऊपर डिश के मैं कवर लेने का। भाई मैंने जो टिप बताई है ना, आप अलग जगह पे भी यूज़ करते हैं और बिल्डिंग में, वैसे तो मैं टावर पे भी चढ़ सकूँ लेकिन उसकी वीडियो इतनी बढ़िया डाल नहीं पाऊंगा भाई, इसलिए ये मत समझना आप दूसरी बिल्डिंग में इसको यूज नहीं कर। उससे क्या होगा, मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, इसलिए बाकी आइडिया आप ही लगा लो भाई। ये देखो यहाँ से आप कवर ले सकते हो आगे पीछे टावर का भी, ठीक है ना भाई, वैसे किसी को पता भी नहीं चलेगा अभी यहाँ पे हो बताने वाला, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती भाई। भाई इसके बाद साथ हम निकलते हैं अपने बिल्डिंग से बाहर, और जो भी ये साथ में जो है ना, इसके पीछे बैक पे एक बिल्डिंग है, फार्म जैसा बना हुआ है भाई, जैसे हम ब्रिज मिलिट्री बेस का पार करके बाहर आते हैं। तो भाई इसकी बिल्डिंग पे चढ़ना है भाई, इसके लिए आपको टीममेट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको मैग्मा वॉल, देखा भाई मैग्मा वॉल के ऊपर हमने आइस बॉल रखी हुई है, उसका एक कारण है भाई, पहले हमने नीचे वाली आइस बॉल वॉल तोड़ी और हम चले ऊपर। अब भाई ऊपर चल के हम बाकी की वीडियो का टिप आपको बताएंगे, पहले ये 3 इडियट्स गोइंग टू बी, चलो भी भाई हो गया। अब यहाँ पे मैंने मैग्मा वॉल नीचे रखी थी, उसके ऊपर एक और आइस वॉल खड़ी की और मैं आ गया इसके ऊपर भाई। भाई है ना शानदार, सच में भाई शानदार है यार, दोनों तरफ से आप कवर ले सकते हो भाई, तो आपको कॉन्करा में बहुत हेल्प करेगा आपकी टीम को यार ये चीज़। अब डुओ हो गए तो और बेस्ट है यार, स्कोर हो गए तो भाई साहब। अब चलते हैं हम सीधे फार्म पे भाई, टिप नंबर 3 की ओर, गमागम जल्दी जल्दी फार्म की तरफ, बिल्कुल टाइम नहीं लेते हुए ज़रा फार्म की ओर। मैं आपको बताऊँगा ये टावर है, यहाँ पे अगर सोलो खेल रहे हो भाई आपको कैंप करना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जगह है जहाँ के आपको कोई नहीं पकड़ सकता, बस आपके पास होनी चाहिए आइस बॉल, तो आप सीधे सीधे जल्दी पर जाओ भाई, जल्दी जल्दी चलना यार। यहाँ से जाते हैं आप ये बनाएंगे भाई आइस बॉल, ये चटके आप आ गए हैं ऊपर, और आप अपनी क्या कीजिए बाद में मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आप इसके ऊपर चल जाए और यहाँ आप हो जाइए प्राउन भाई, एक तो आपको पूरी लोकेशन मिल जाएगी, अगर आप स्कोर खेल रहे हो कोई भी आएगा आपको बता सकते हो, ऊपर से मार सकते हो और कोई पकड़ेगा नहीं। और उससे पहले एक बात और, अपनी आइस बॉल तोड़ दीजिए, वैसे ये टाइम लिमिट होती है, अपने आप ही चली जाएगी, वैसे आपको तोड़नी है तो तोड़ दीजिए ताकि किसी को शक भी ना पड़े आप वहाँ पे हैं। वो भाई है ना ओपी भाई। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी 4th ट्रिक पे, जो कि है क्लाइम ऑन दी लेबोरेटरी, जो नोवा के पास है भाई, नोवा के ब्रिज के पहले आती है, जो सीधे हम पहुँचते हैं जल्दी जल्दी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए भाई। चल चल भाई, देखो भाई सीधे मैं जाता हूँ लेबोरेटरी के अंदर, और ये जो गजेड़ी मेरे दोस्त हैं देखो वो ही पुराना तरीका, लेकिन हम सीधे ही भाई प्रो पंती की दिखाते हुए सीधे ऊपर भाई, और आपको व्यू दिखा दूँ थोड़ा सा कितना बड़ा है यहाँ पे, और अभी इसके और ऊपर चढ़ के हम और व्यू दिखाते हैं आपको, ये लो भैया। चलो जी अभी इसके ऊपर चढ़ जाते हैं भाई, लोल भाई अब बताओ मेरे पास स्नाइपर ऑफ डेट एक्स, मैं किसी को मानूँ यहाँ से, किसी को भी नहीं भाई। दिस इज़ अ क्लियर व्यू, बहुत ज़्यादा व्यू मिलता है भाई। इसी के साथ हम चलते हैं ट्रिक नंबर 5 पे, जो वहीं पे है भाई, उसके साथ वाला जो टावर है लेबोरेटरी के भाई, इसके ऊपर चढ़ना भाई ऐसे जैसे मैं चढ़ रहा हूँ ना भाई, भाई साइड साइड के जो पिलर है ना साइड साइड से चढ़ना, देखो मैं बीच से नहीं चढ़ रहा, ध्यान से देखो ना बीच से नहीं चढ़ रहा, मैं साइड से चढ़ रहा हूँ, ये देखो चढ़ते जाना भाई, चढ़ते रहना जब तक आप स्पेसिफिकली हाइट ना पकड़ लो, क्योंकि वहाँ से आपको अगर नीचे कोई कोई स्कोर भी आ गई ना भाई, कोई सोच नहीं पाएगा आप ऊपर बैठे हो, और ऊपर से जो आप पेलोगे एक एक करके सभी को, ओह भैया मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा सच में भाई। ये ऐसे करना है भाई जल्दी जल्दी, ये देखो मैं टीम मेट को दिखाता हूँ ये नीचे से कैसे होता है, कैसे पता लगेगा आपको, ये देखो ऐसे साइड साइड से भाई, साइड साइड से चढ़ना है आपको, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, आप इतनी जल्दी चढ़ जाओगे कहने की बात नहीं भाई, और इतनी ऊपर चढ़ जाओगे कहने की मतलब हाइट से तो नहीं डरते कोई, बस भाई इसी के साथ हम ऊपर चढ़ गए हैं भाई। यहाँ पे मैंने एक वॉल बना ली थी ताकि मैं व्यू कर सकूँ पूरा क्लियर, भाई साहब भाई ओपी व्यू है, बहुत दूर दूर तक दिखता है यार, बहुत ही दूर दूर तक, और किसी को कोई पता भी नहीं है कि बंदा ऊपर बैठा हुआ है हेडशॉट लेने को, पेलने को, सच में भाई कोई
कोई बहुत मुश्किल से कोई गेस कर पाएगा कि यार ये ऊपर है कोई बंदा, क्योंकि जब तक आप कोई फायरिंग नहीं दोगे, कोई मूवमेंट दोगे, कोई सोच नहीं पाएगा। और आपने क्लोथ भी वैसे पहने होंगे, कपड़े भी। टोपी भाई, इसी के साथ बगी उठा के हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जो है कि मेल्टा पावर में इसको कैसे करना है, इसके ऊपर कैसे चढ़ना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि आजकल बड़े लोग ये वीडियो डाले कि ऊपर कैसे चढ़ना है, ये है वो है। भाई सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड, बस आपको बगी चाहिए। कोई बगी है जो है ग्रिप बना लेती है। भाई भाई ये देखो, जा रहे ना मेरे टीममेट्स ऊपर, ये देखो भाई। सिंपली आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जिस अपने बिल्डिंग से, जिस आपको बिल्डिंग से ना दीवार से आपको ये देखो ये वाली पे जंप करना है, इसके नीचे पीछे जाना है आपको। यहाँ आपने एक बिल्कुल एक, मैं तो दो बनाऊंगा भाई, दो आइस वॉल बना देनी है भाई, दो या तीन बना दो आप। मैंने तो वैसे तीन बनाई, वैसे एक से भी काम चल जाता है यार। और अपनी बगी पे उठाओ और एक वापिस जाके राउंड लगा, क्योंकि आपको स्पीड चाहिए भाई, आपको मूवमेंट चाहिए, मोमेंटम चाहिए। आप सीधे से यहाँ से जाओ और भाई चढ़ा दो गाड़ी ऊपर। एक दो बार आपको मुश्किल होगी, जब आपको प्रैक्टिस करने लगे हो तो भाई साहब कोई मुश्किल नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बगी खुद ब खुद चढ़ जाती है भाई। और ऊपर से जो व्यू है भाई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लो हम आ गए हैं ऊपर, यहाँ करते हैं मज़े। कौन सोचेगा भाई, आप AWM लेके यहाँ पे बैठे हो, कौन सोचेगा भाई। कोई नहीं, बंदे लड़ रहे होंगे मेल्टा पावर के सामने। अगर भाई जोन इधर बना और आप कौन कर पूछ करो, दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट जगह आपके लिए, क्योंकि आपके पास अपर हाइट है, आपको सब दिखेगा। अगर आपके पास स्कोर, आप अपनी स्कोर को ट्रैक्शन दे सकते हो, ये बंदा यहाँ पे है। और भाई ये थोड़ा लास्ट वाला है, इट्स नॉट अ ट्रिक, बट ये वैसे ही हमने मजे के लिए मैंने किया था, जस्ट अ ट्राई, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यार पुचिंकी में ये कैसा लगता है, पुचिंकी के टॉप की बिल्डिंग में चढ़ के। तो भाई इसी के साथ यहाँ पे मैं अपनी वीडियो करता हूँ ख़त्म। भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यार, प्लीज़ यार भाई, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ भाई एक बार सब्सक्राइब दबा दो, जो लाल वाला बटन है भाई, जैसे भी करके उसको दबाओ। और भाई भाई के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करो भाई, प्लीज़ भाई प्लीज़, आपकी सपोर्ट ज़रूर चाहिए भाई। और भाई इसी के साथ भाई हम आ गए हैं चर्च की बिल्डिंग के ऊपर, और थोड़ा और ऊपर चलते हैं भाई, बिकॉज मज़ा नहीं आ रहा यार। हाँ अब ठीक है भाई, बट लेकिन भाई ये करने से पहले मैं आपको वॉर्न कर दूं, यहाँ पे आपको पट से हेडशॉट पड़ सकता है। तो आपके पास कोड है तो आप ये कर सकते हो बंदे की लोकेशन देखने के लिए, बट ये इट्स टू रिस्की है थोड़ा सा, बिकॉज कोई इसमें आपको कवर नहीं है कोई। और भाई इसी के साथ मैं आगे भी टिप लाता रहूँगा, ट्रिक्स भी जो भी होगा इस अपडेट के रिलेटेड, जो भी है ये आइस वॉल और मैग्मा वॉल को लेके या शील्ड को लेके, बिकॉज मेरा तो अभी तक सबसे फेवरेट रहा है आइस वॉल। ओके दोस्तों, इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।